हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लेडी टूरर। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग्स बनाना भूल गई हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करूँ। आज मैं और मम्मी जा रहे हैं सोमनाथ के मेले में, जिसका छठा दिन है। ये मेला 7 दिन का होता है। वैसे तो मैं व्लॉग्स बना के आग लगा दूँ, लेकिन मैं थोड़ा ऑफिस की वजह से बना नहीं पाती हूँ। और मैं थोड़ी बहुत चलो ऑफिस के काम को तो फिर भी सेकेंडरी रखते हैं। मैं थोड़ी बहुत आलसी भी हूँ कि मुझसे इस गर्मी में व्लॉग बनाने के लिए जाया नहीं जाता, जबकि पहाड़ों में तो इतनी गर्मी हो भी नहीं रही है। और ये देखिए मेरा क्यूट सा बैग, ये मैंने मसूरी से लिया था। और यहाँ पे हम जा रहे हैं पैदल पैदल। यहाँ तक तो हम गाड़ी में आए थे, हम पैदल पैदल जा रहे हैं। और इस मेले को बोलते हैं सोमनाथ का मेला, जो कि मासी में लगता है। तो चलिए इस मेले को एक्सप्लोर करते हैं कि गांव में मेले कैसे लगते हैं। और हाँ, एक और बात बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ मेले को, जो मेला होता है, उसको कौती कहते हैं। तो ये है पहाड़ी कौती, है ना मम्मी? ये है मम्मी। मम्मी हाय बोलो। मम्मी के बिना भी ब्लॉग अधूरे से ही हो जाते हैं वैसे। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। कर दो बाय 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 बोल। ओहो, और ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये मासी का सोमनाथेश्वर मंदिर है, जिसके बाद बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है इस मंदिर को। ये देखिए हट्टी कट्टी दारा सिंह जैसे देखो। ये देखिए हमारे यहाँ की सड़कें, ये मासी से चकुटिया तक की सड़कें हैं। और यहाँ लोगों के घर। और यहाँ से शुरू होता है मेले का सफ़र, जहाँ पे चरखी लगी हुई है और एक वो जो ब्रेक डांस होता है वो भी है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो यूथ हैं, बच्चे हैं, वो आए हुए हैं और सब इन्जॉय कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे पानी की सुविधा भी दी गई है, टैंकर लगा हुआ है पानी का। इसमें आप देख सकते हैं मासी रानी खेत लिखा है। उसके बाद हम आगे को चलते हुए, यहाँ पे बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे, उन्हें पता लग गया था कि वो व्लॉग में आने वाले हैं। और फिर उसके बाद में मैं और मम्मी जाते हैं चरखी की ओर, क्योंकि मेरा चरखी में बैठने का बड़ा मन करता है। लास्ट टाइम मैं हल्द्वानी में बैठी थी नुमाइश में 2019 में। तो अब यहाँ से टिकट लेने के बाद हम आगे बढ़ते हुए, काफ़ी मज़ा आता है उसमें, और लेकिन डर भी बहुत लग रहा होता है। सबको पता ही है कि चरखी में कैसे लगता है। तो अभी जो आपने बच्चा देखा था, ये जानबूझ के वीडियो में आया था। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड इंक्रीज़ कर दी है, अदरवाइज़ तो फिर ये व्लॉग पता नहीं कितनी देर का बन जाता। और यहाँ पे सारे स्कूल कॉलेज के बच्चे आए हुए हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। मैं ब्रेक डांस में भी बैठना चाहती थी, बट उसमें थोड़ा ना सर झटक जाता है। और हमारी उत्तराखंड पुलिस भी यहाँ पर तैनात है सेफ्टी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए आई हुई है। मेरी मम्मी स्माइल करते हुए ब्लॉग को। तो हम यहाँ पे अपने टर्न का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक आधा सब्सक्राइबर्स मेरे बन गए थे क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने उन्हें बताया नाम। तो थोड़ा सा नाम की वजह से मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स मिस भी हो जाते हैं, अगर किसी के पास फ़ोन ना हुआ तो। उसके बाद में अब मैं और मम्मी जो हैं, हम बैठते हैं चरखे में। ये इन्हें मैंने जबरदस्ती हाँ भाई बुलवाए। और ये हमारी रामगंगा रिवर, जिसके साथ में टेंट लगे हुए हैं। और यहाँ पे अब मैं और मम्मी, हमारा नंबर आ गया है, हम बैठ गए। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और ऐसे वीडियो बनाने का पहली बार था। मैं चरखी में बहुत डरती हूँ, बट व्लॉगिंग के भूत ने मुझे इस बार डरते डरते भी, मैंने ट्राईपॉड पकड़ा हुआ था और मैं डरी बहुत, लेकिन मैंने फिर भी उसे छोड़ा नहीं। व्लॉग बनाने की वजह से वीडियो शूट करती रही मैं। ये देखिए व्यू, देखिए आप सामने गंगा बह रही है, रामगंगा, और हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। और जब
इसकी थोड़ी अभी तो जैसे ये पहले तो ये काफ़ी धीरे धीरे चल रहा होता है, मतलब इनिशियली काफ़ी धीरे चलता है तो हम इतना नहीं डर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही इसकी स्पीड बढ़ जाती है तो ऐसा लगता है मानो अभी हम ना मतलब आत्मा हमारी ऊपर चले जाएगी और हम यहीं रह जाएंगे, मतलब हम शरीर जो है वो यहीं रह जाएगा, ये इंक्रीज हो गया है, शरीर यहीं रह जाएगा और हम चले जाएंगे ऊपर। तो हम यहाँ पे एंजॉय भी काफ़ी किया, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत मज़ा आता है चरखी में बैठने में ऐसी चीज़ों में, और उसके बाद में थोड़ा थ्रिल होना चाहिए, एडवेंचर होना चाहिए, बट हाँ ठीक है उस टाइम पे डर बहुत लग रहा होता है, और दूसरा डर कि फ़ोन ना गिर जाए। फ़ोन क्या है ना कि आजकल फ़ोन आपको पता ही है फ़ोन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऊपर से फ़ोन गिर गया तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि भैया ब्लॉग कैसे बनेगा सबसे पहली बात, तो इसकी वजह से भी मैं काफ़ी डरी हुई थी, बट स्टिल मैंने हिम्मत दिखाते हुए आपको पूरा मासी दिखाया है, इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा ये पूरा मासी का एरिया है, और ये आता ये भी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, तो बहुत मज़ा आया, काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था, स्पीड देख के आप समझ ही रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो गया था, और मम्मी बीच बीच में कहीं जा रही थी दिव्या मुझे भी दिखा, तो इसलिए मैं मम्मी को भी दिखा रही थी, मम्मी को दिखाना पड़ रहा था एक्चुअली। वो देखिए अब मम्मी कह रही कि अब हम उतरने वाले हैं, और अभी तो मम्मी की एक्टिंग चल रही है, अब उतरने वाले हैं तो फिर कैसे भैया आँख बंद करने की क्या ज़रूरत है, तो अब हम यहाँ पे उतर रहे हैं, और ये देखिए नया जोड़ा भी आया हुआ है वहाँ पे, दुल्हन ने पिछौड़ा पहना हुआ था उन्होंने, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है जब कोई मेला लगता है तो दुल्हन ने पिछौड़ा मांग टिक्का सब पहन के चलते हैं, हमारे जो भी ऑर्नामेंट्स हैं उनके। अब हम यहाँ से एग्जिट लेते हुए आगे बढ़ते हैं मेले की तरफ जहाँ पे शॉप्स लगी हुई हैं, क्योंकि ये तो प्लेग्राउंड टाइप का था जहाँ पे झूले वगैरह थे, और यहाँ पे मम्मी हर बच्चों को हाय हाय कहलवा रही है, तो अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं, तो अब शॉप्स वगैरह पे पहुँचते हैं, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, पता नहीं वो जो एक गोल गोल सा एक लकड़ी का दिया जाता है और वो किसी एक सामान के ऊपर में डालना होता है वो सब भी है, मम्मी भी खेलना चाह रही थी, मम्मी को भी बड़ा इंटरेस्ट था, कह रही थी मुझे भी खेलना है मम्मी, मैंने कहा मम्मी कौन खेलता है ये, बच्चे कौन खेलते हैं, मतलब बच्चे खेलते हैं ये, तो यहाँ पे बच्चे सारे खुश थे, मतलब यही तो टाइम है एंजॉय करने का, यही उनका टाइम है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे आगे ट्रैम्पोलिन भी है बच्चों के लिए, पीछे भी था, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भाषण दिया जा रहा है, और ये देखिए सोमनाथ का मेला लिखा हुआ है, तो ये सारा मासी का एरिया है, आसपास के दूर दूर के लोग हैं यहाँ पे सब, जिनको मैंने अपने कैमरे में कैप्चर किया है, तो अब हम आगे चलते हुए अब यहाँ से थोड़ी वही हल्की फुल्की जो दुकानें लगी हैं मेले में वही लगी हैं, अब तो पहाड़ों में भी मेले ऐसे नहीं लगते हैं, बहुत छोटे से लगते हैं, यहाँ पे भैया टैटू के लिए मुझे वो कर रहे हैं कि टैटू बनवा लीजिए, और ये आप देख सकते हैं पहाड़ों में ये जीन्स की दुकान, आगे चलते हुए मुझे हमारे जान पहचान की मिल गई, उन्होंने मना कर दिया व्लॉग में नहीं लेना, वो अपने टैटू को रिफिल करवा रही थी तो उन्होंने मना कर दिया, बट मैं स्टिल मैंने ले लिया, मुझे भी कहाँ फ़र्क पड़ता है, मैं ले ही लेती हूँ क्योंकि उन्हें मैं जानती हूँ इसलिए, और फिर उसके बाद में वो भैया मुझे वो भी काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं टैटू बनवा लूँ, बट मैंने नहीं बनवाया, मैं नहीं बनवाऊँगी। उसके बाद में आप देख सकते हैं गांव के लोग कैसे मेले में आए हुए हैं, पहले तो ये मेले काफ़ी बड़े बड़े लगते थे, काफ़ी मतलब बड़े मेले देखे हैं मैंने गांव में भी, बट अब तो ये बहुत छोटे से लगते हैं ऐसे ही, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये है कि हाँ मुझे ये अच्छा लगता है कि जो बच्चे हैं वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे, अदरवाइज़ तो होता ही क्या है, तो यहाँ सारे बच्चे आए हुए होते हैं और वो लोग मतलब कुछ खरीद रहे होते हैं, इन्जॉय कर रहे होते हैं, मतलब एक काइंड ऑफ आप कह लीजिए सबका रीयूनियन टाइप का हो जाता है यहाँ पे बच्चों का, वो कहते हैं मेले में चलेंगे सारे ऐसे ऐसे करके, और ये देखे बच्चों को वो उन्हें दिख रहा है कैमरा सामने से तो खुश हो रहे हैं, तो हम इस मार्केट को
देखते हुए यहाँ पे सब गांव के लोग जो दूर दूर से आए हैं, जिन्हें चीज़ें सस्ते में मिल रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें खरीद खरीद के ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो शॉपिंग है लोगों की वो हो रही है, कुशंस वगैरह हैं, जो एक मेले में आपको दिख सकती है चीज़ें, सारी चीज़ें। और गांव के लोगों के लिए मेला एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आपको पता है यहाँ की मार्केट्स मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं होती हैं, तो मेले में उन्हें घूमने मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इसके साथ में वो लोग काफ़ी खुश होते हैं मेलों में। और सामने से उन्होंने मुझे हाई किया, उन्हें पता चल गया था व्लॉग बना रही हूँ मैं। उसके बाद में इस मार्केट में एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, सबके सब इतने ज़्यादा खुश थे कैमरा देख के कि मतलब उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था उनकी मैं वीडियोस बना रही हूँ। इन्होंने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया, मुझसे पूछा नाम, थैंक्स टू हिम। और ये बच्चे मुझे हाई हेलो बोल के जा रहे थे, मतलब इतने प्यारे बच्चे। उसके बाद में ये अंकल भी काफ़ी हंसमुख, सारे के सारे मतलब काफ़ी सारे ये देखे हाँ ये सब्सक्राइबर है मेरे। तो सबको मतलब किसी को सबको ये था कि हम व्लॉग में आए, मतलब सबको बहुत अच्छा लग रहा था। और जबकि मैं थोड़ा कम लेना पसंद करती हूँ लोगों को, आई फील कि यार सबकी अपनी प्राइवेसी है, पसंद हो ना हो। तो यहाँ पे बच्चों को देखे दोबारा मिल गए मुझे। ये बोल रही है कि सब इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये लोग मुझसे नाम पूछ रहे थे। चलो ऊपर को, यहीं से चलेंगे या नीचे चलेंगे? मम्मी वहाँ वहाँ पहुँचेंगे, फिर हम प्ले ग्राउंड में पहुँचेंगे जहाँ पे अब चलते हैं, फिर ऊपर ही। हेलो कह दो, हेलो मनो भी, मनो भी हाँ जी। अब यहाँ पे काफ़ी सारे सॉन्ग्स प्ले हो रहे थे, तो दोबारा मुझे वीडियो को म्यूट करना पड़ा। और उसके बाद में यहाँ पे जब मैं व्लॉग्स बना रही थी, तो मतलब जब मैं यहाँ पे शूट कर रही थी, तो सामने अब आपको दिखेगा कि अभी आपको दिखेगा यहाँ पे नमकीन और जलेबी है। तो जैसे ही मैं जलेबी वाले अंकल को बना रही थी वीडियो, अंकल इतना खुश हो गए, तो अंकल इतना खुश हो गए कि उन्होंने मुझे जलेबी पकड़ा दी। ये देखिए अंकल की स्माइल देखी, कितनी कितनी स्वीट स्माइल है, मतलब कितनी कितनी नेचुरल। तो अंकल ने मुझे जलेबी दे दी। वैसे भी हमारे पहाड़ों में लोग दिल के बहुत अमीर होते हैं, तो उसके बाद में मैंने जलेबी खाई। और जैसे कि जलेबी मैं बिल्कुल थोड़ी सी खा सकती थी, एज मैं मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाती, तो मैंने वो मम्मी को पकड़ा दिया। और मम्मी खुश, इसके बाद में देखे मम्मी खुश, मम्मी की खुशी देखी, खुशी ओहो मम्मी छुपाई नहीं, छुप रही खुशी। उसके बाद में एवी हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे, इतने में बस आ गई और मम्मी ने मुझे जल्दी जल्दी में बोला कि चलो चलो बस में चलते हैं चलते हैं। और मेरा व्लॉग यहीं पे एंड हो गया। तो इतना ही है सोमनाथ मेले का सफर, बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।